सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसे किस मन से कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत ही आपको अच्छी किस्मत दे सकती है। आज के जमाने में अक्सर वही लोग टाइम पास करते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता। आज का पंचांग 19 जून 2020 दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 11:01 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 10:31 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:25 से 11:38 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:55 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 19 जून 2020 दिन शुक्रवार, संसारिक लक्ष्य आपको आकर्षित कर रहे हैं। जहाँ भी आप जाते हैं पार्टी भरा जीवन जी रहे हैं। हाल के दिनों में मिली सफलता का मित्र और परिवार के साथ आनंद लें, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। यदि आप अधिक पार्टी करते हैं तो दुर्घटना या चोरी की संभावना है। आज के दिन का पूरा आनंद लें। अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो उसकी योजना पहले से बना लें, क्योंकि आखिरी समय में परेशानी हो सकती है। रोचक लोगों से मिलना आज आपकी किस्मत में लिखा है। बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आपके शब्द किसी के मन में सफलता या असफलता के बीच बो सकते हैं। कन्या राशि के लोगों में विशेषता है कि काम के हर पहलू पर वह विचार करके ही उस पर काम करते हैं। आज का ग्रह गोचर भी आपके इन गुणों को गति प्रदान कर रहा है। अपनी परियोजनाओं को अपने तक ही सीमित रखकर अपने काम पर ध्यान दें। आज आपके लिए महत्वाकांक्षाओं और जिम्मेदारी का समय है। शांत रहने और खुद को गति देने का दिन है, क्योंकि आज लंबे समय से बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस परिश्रम का आज आपको काफी अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। आपके लिए आज का दिन बहुत कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। आज विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिशों को सही अंजाम दे सकते हैं। सावधानियाँ, कभी कभी आपके विचारों में कुछ शंकाएं होती है, जिसकी वजह से आप दूसरों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकते हैं और आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचती है। लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन अच्छा रहेगा, जहां आप दोस्तों भाई बहन और साथी के साथ समय बिताएंगे। अपनी साथी का खास ख्याल रखें, क्योंकि उन्हें आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। प्रेम में थोड़ी थोड़ी शरारतें और छेड़खानी प्यार को और भी गहरा बनाती है। आज आप कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। किसी यात्रा पर आप जा रहे हैं तो पहले पूरी योजना बना लें और अपने साथी की भी इसमें सलाह लें। इन दिनों आप लोगों को अच्छे पल देंगे, जिससे आपका संबंध मजबूत होगा। अपने साथी पर विश्वास करें, यह आप दोनों के लिए लाभदायक है। करियर की बात करें तो आपका करिश्मा और आकर्षण आपकी संपत्ति है, लेकिन अपने दोस्तों के सहयोग को नजरअंदाज ना करें। अभी आप अपनी आय और करियर में भी विकास करेंगे। आज सोच समझकर किसी समूह या क्लब का हिस्सा बने। अचानक आए घरेलू मुसीबतें भी आपका समय ले सकती है। आज आप स्पेशल की तरह महसूस करेंगे और लोग भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो पहले योजना बना लें। आप कुछ रोचक लोगों से भी मिलेंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। सेहत की बात करें तो
किसी संक्रमण या फिर कोल्ड होने के कारण आपकी सेहत थोड़ी नाजुक हो सकती है। अच्छा खाना और आराम करके आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मंदिरा पान और मिठाइयों से दूर रहें। ऐसा करने से आप अच्छा महसूस करेंगे। आज का उपाय। आज आप श्री गणेश जी तथा माँ महालक्ष्मी का पूजन करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।